हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन आर्ट्स इंडिया। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको मैक्रमे के बेसिक नॉट्स बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मैक्रमे का कॉर्ड लूंगी, जिसको मैंने डबल कर लिया है, और लूप वाले साइड को रॉड के पीछे से ले जाते हुए उसके अंदर जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं, जो कॉर्ड्स हैं मैक्रमे की, वो उसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी, और उसके बाद उसको पुल करते हुए उसे टाइट कर दूंगी। तो बन गया हमारा मैक्रमे का लार्क्स हेड नॉट, जो कि बेसिक नॉट है। स्क्वायर नॉट के लिए हमें दो लार्क हेड नॉट्स बनाते हैं, जिसमें चार स्ट्रिंग हो जाएंगी, एक राइट कॉर्ड, एक लेफ्ट कॉर्ड, दो सेंटर कॉर्ड। हम राइट स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे, सेंटर कॉर्ड के ऊपर ले जाएंगे उसको, और फिर लेफ्ट कॉर्ड को राइट कॉर्ड के ऊपर से ले जाते हुए और पीछे से सेंटर कॉर्ड के करते हुए उस लूप से निकाल लेंगे। फिर उसको टाइट कर देंगे और धीरे से ऊपर की तरफ पुल कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम ऑपोजिट कॉर्ड लेंगे, दैट इज लेफ्ट कॉर्ड। लेफ्ट कॉर्ड को वैसे ही करना है, ऊपर ले जाना है सेंटर स्ट्रिंग से, फिर राइट को लेफ्ट के ऊपर से, फिर पीछे से सेंटर के, और लूप से निकाल लेना है, और ये बन गया हमारा स्क्वायर नॉट। और इन्हीं दो स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम स्क्वायर नॉट का एक पूरा स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्पाइरल नॉट के लिए मैं दो लॉक हेड नॉट्स बनाऊंगी, चार स्ट्रिंग हो जाएंगे। आई विल स्टार्ट विद द राइट कॉर्ड फर्स्ट। राइट कॉर्ड को मैं सेंटर कॉर्ड के ऊपर से लग जाऊंगी और लेफ्ट कॉर्ड को सेंटर कॉर्ड के पीछे से ले जाते हुए लूप से निकालूंगी। स्पाइरल नॉट में हमेशा हमें एक साइड का ही कॉर्ड इस्तेमाल करना है, दैट इज इफ आई एम स्टार्टिंग विद द राइट, आई विल डू इट विद द राइट ओनली। राइट साइड के कॉर्ड को ही मैं यूज करूंगी और लेफ्ट साइड को अवॉइड करूंगी। हमेशा राइट से ही स्टार्ट करूंगी। अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम एक ही तरफ के कॉर्ड को बार बार यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक ट्विस्टेड इफेक्ट देगा। दैट इज वाई ये स्पाइरल नॉट कहलाता है। स्क्वायर नॉट विद हाफ सर्कल्स के लिए हमें वही चार स्ट्रिंग लेने हैं, दो लार्क नॉट बनाते हुए, और एक स्क्वायर नॉट फॉर्म करना है, जैसे कि हमने पहले किया था। राइट स्ट्रिंग से पहले ऊपर लेते हुए और लेफ्ट को पीछे से लेते हुए और लूप से निकाल के उसको टाइट कर देना है, और फिर लेफ्ट जैसे हमने पहले स्क्वायर नॉट में किया था वैसे ही करना है। लेफ्ट स्ट्रिंग को सेंटर स्ट्रिंग के ऊपर से और राइट को पीछे से ले जाते हुए एक स्क्वायर नॉट फॉर्म करना है। नेक्स्ट में हमको राइट स्ट्रिंग ही लेना है और स्क्वायर नॉट बनाना है, लेकिन इस बार हमें इसको लूज छोड़ना है। लूज इन द सेंस हमें कुछ स्पेस छोड़ना होगा। मैं एक थंब का गैप ले रही हूँ, आप कोई भी मेजरमेंट ले लीजिए अंदाज से, और फिर उसको टाइट करने के लिए अब मैं लेफ्ट कॉर्ड को लेके सेंटर कॉर्ड के ऊपर से और फिर राइट को पीछे से ले जाते हुए लूप से निकाल के उसको टाइट कर दूंगी। तो ये बन जाता है हमारा स्क्वायर नॉट विथ हाफ सर्कल्स। आप थोड़ा उसको लूज करके एडजस्ट भी कर सकते हैं।
अल्टरनेटिंग स्क्वायर नॉट्स के लिए हमें 4 लार्क हेड चाहिए, जिसमें से हम सेंटर के 4 थ्रेड्स लेके और स्क्वायर नॉट्स जैसे कि हमने पहले बनाया था वैसे ही बनाएंगे, लेकिन लूज रखेंगे। राइट साइड के कॉर्ड को पहले यूज़ करेंगे और उसके ऊपर से लेफ्ट साइड के कॉर्ड को निकालते हुए राइट साइड के लूप से बाहर निकालेंगे, लेकिन उसको ऊपर नहीं करेंगे। जितना बड़ा हमें पेटल का शेप या साइज देना है अपने डिज़ाइन में उतना ही रखेंगे। फिर लेफ्ट कॉर्ड से हम उसको टाइट कर देंगे, लेफ्ट कॉर्ड को सेंटर कॉर्ड के ऊपर से और राइट कॉर्ड को उसके पीछे के लूप से निकालते हुए उसको टाइट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा पहला पेटल। अब हम लेफ्ट साइड के 4 कॉर्ड्स को लेंगे और सेम डिस्टेंस लेते हुए स्क्वायर नॉट बनाएंगे। इस बार भी हम लूज ही बनाएंगे जैसे हमने इसमें ऊपर के पेटल्स बनाए हैं। द सेम स्टेप वी हैव टू फॉलो। लेफ्ट कॉर्ड से उसको अब हम टाइट कर देंगे। इस डिजाइन में हमें लूप को थोड़ा लूज ही रखना है ताकि पेटल का फॉर्म हो, डिस्टेंस हमें हमेशा सेम लेनी होगी। और ऐसे ही हमें राइट साइड के भी 4 थ्रेड्स को लेके सेम पैटर्न फॉर्म करना है और इसी को कंटिन्यू करते जाना है। और ये बन जाता है हमारा अल्टरनेटिंग स्क्वायर नॉट। ये एक ब्रॉड डिज़ाइन है और आप इसे वॉल हैंगिंग वगैरह में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नॉट के लिए हमें एक लार्क हेड नॉट बनाना है, जिसके लिए हम राइट कॉर्ड को लेफ्ट कॉर्ड के ऊपर से रख के फिर उसके पीछे से निकाल के एक नॉट बना लेंगे। फिर हम लेफ्ट कॉर्ड को सेम उसी वे में राइट कॉर्ड के ऊपर रखेंगे और पीछे से ले जाते हुए लूप में से निकाल लेंगे और ये नॉट फॉर्म कर देंगे। ऐसे ही हमें लेफ्ट और राइट रिपीट करते हुए ये पूरा डिज़ाइन बनाना है। तो ये बन जाएगा हमारा अल्टरनेटिंग हाफ हिच नॉट। इस नॉट के लिए मैंने 2 लार्क्स हेड नॉट लिए हैं, जिसमें 4 स्ट्रिंग है, एक राइट एक लेफ्ट और 2 सेंट्रल कॉर्ड्स। मैं लेफ्ट कॉर्ड से स्टार्ट कर रही हूँ। लेफ्ट कॉर्ड को मैं सेंटर कॉर्ड के ऊपर ले जाते हुए और पीछे से करते हुए उसको लूप से निकाल के टाइट कर लूँ, उसको ऊपर की तरफ पुल कर लूँ। अब मैं राइट कॉर्ड लूँगी सेम वे सेंटर कॉर्ड के ऊपर से और पीछे ले जाते हुए लूप से उसको निकाल के उसको टाइट कर लूँगी। दिस वे हमें अल्टरनेट कॉर्ड यूज़ करते हुए डिज़ाइन फॉर्म करना है, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। और ये बन जाता है हमारा 1 मोर पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग हाफ हिच नॉट। इस पैटर्न के लिए हम 4 लार्क हेड नॉट लेंगे और हम ऐसे डायगोनल डिज़ाइन बनाएंगे। फर्स्ट कॉर्ड लेंगे हम, जो कि हमारा वर्किंग कॉर्ड होगा, मतलब इस कॉर्ड के ऊपर ही हम इन सब कॉर्ड से नॉट्स बनाएंगे और ये हम ऐसे रखेंगे फर्स्ट कॉर्ड को लेके।
अब हम सेकंड कॉर्ड लेंगे, सेकंड कॉर्ड को वर्किंग कॉर्ड के ऊपर से ले जाते हुए फिर लूप में से निकालेंगे, और उसे टाइट कर देंगे। अब चूंकि इस डिजाइन का नाम ही है डबल हाफ इंच नॉट, तो इसे हम हमेशा दो बार लेंगे। इस पर स्ट्रिंग हमें दो नॉट बनाना है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग से हमारे दो नॉट बन गए। द सेम वे हम अब सेकंड स्ट्रिंग लेंगे, उसको भी वर्किंग कॉर्ड के ऊपर से ले जाते हुए लूप से निकालेंगे और इस कॉर्ड को भी टाइट कर देंगे, इसको भी डबल बनाएंगे वन मोर टाइम। अब हम यहाँ ध्यान रखना है कि इस कॉर्ड को कभी नीचे नहीं लटकाना, ऐसे ही रखना है, नीचे नहीं करना है, नहीं तो हमारा डिजाइन खराब हो जाएगा। और ऐसे ही करते हुए हमें सारे कॉर्ड्स को वर्किंग कॉर्ड के ऊपर नॉट बनाते हुए एक डायगोनल डिजाइन बनाना है। अब लेफ्ट साइड का डायगोनल बनाने के लिए हम सेम वर्किंग कॉर्ड लेंगे और उसे उसी तरह जैसे हमने पहले नॉट्स बनाया है, डबल हिच नॉट्स लेते हुए उसको बनाते जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें वर्किंग कॉर्ड्स को गिनने नहीं देना है, उसे डायगोनल ही रखना है। और ऐसे ही वर्किंग कॉर्ड पे हमें सब नॉट्स बनाते हुए ये पैटर्न कंप्लीट करना है और ये बन गया हमारा डबल हाफ इंच नॉट। इस पैटर्न के लिए हम 4 लार्क्स हेड नॉट लेंगे। लेफ्ट साइड का फर्स्ट कॉर्ड हमारा वर्किंग कॉर्ड होगा और फिर सेकंड कॉर्ड से हम डबल कॉर्ड बनाएंगे, डबल नॉट बनाएंगे, हाफ इंच नॉट वन टाइम एंड वन मोर टाइम। सेम वे हम थर्ड कॉर्ड से भी करेंगे, डबल हाफ इंच नॉट बनाएंगे, एंड सेम वी डू इट विद द फोर्थ कॉर्ड। लेफ्ट साइड से हम ये दो कॉर्ड्स ही यूज करेंगे। अब हम राइट साइड से वर्किंग कॉर्ड लेंगे और सेम डायगोनल पैटर्न फॉर्म करेंगे और नॉट्स उस पे ही बनाते जाएंगे। डबल नॉट्स हमें बनाना है और एक डायगोनल हाफ इंच नॉट फॉर्म हो जाएगा। एंड के हम दोनों स्ट्रिंग को हाफ इंच नॉट से क्लोज कर देंगे, डबल नॉट्स लेंगे और एक फिनिश नॉट बना देंगे और यह हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। तो ये थे मैक्रमे के 9 बेसिक नॉट्स जिनको यूज करके आप वैरायटी ऑफ हैंगिंग्स बना सकते हैं। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।